नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित आज फिर आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज का टॉपिक है नेट न्यूट्रैलिटी। इस लेक्चर में हम समझेंगे नेट न्यूट्रैलिटी का मतलब क्या होता है, आखिर ये होता क्या है, ये अच्छा है या बुरा है, इंडिया में इसका करंट स्टेटस क्या है और क्या हैं इसके फेवर और इसके खिलाफ के आर्ग्यूमेंट्स, और क्या ये नेट न्यूट्रैलिटी से हमें कुछ फ़र्क पड़ेगा और वे फॉरवर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे फिर नहीं, ये बैटमैन जी फिर कुछ कहने आ गए, चलो सुन लेते हैं। इट्स नॉट हु आई एम बट वॉट आई डू दैट डिफाइंस मी। तो दोस्तों, आप अभी क्या हैं, कहाँ से आए, क्या बैकग्राउंड से हैं, स्कूल बेकार था आपका, आपको गाइडेंस बराबर नहीं मिला, आप पढ़ाई में कमज़ोर थे, फाइनेंशली वीक थे, ये सब आपको डिफाइन नहीं करेगा। हाँ, आप आज से क्या करते हैं आपकी ज़िंदगी के साथ, वो आपको बनाएगा, वही आपके पैदा होने का, आपके अस्तित्व का मतलब होगा। तो दोस्तों, आज से लग जाइए अपनी ही खोज में, अपने सपने साकार करने में। आने वाला कल आपका आज से बेहतर होना चाहिए। लग जाइए, एक ही ज़िंदगी है, अपने सारे सपने इसी में साकार कर लीजिए। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेट न्यूट्रैलिटी को समझने के लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी हाईवे पे जा रहे हैं अपनी कार से, वहाँ दो रोड बनी है। एक रोड पे स्पेशल पास मिला हुआ है BMW और ओडी को, और दूसरी रोड पे बाकी सारी गाड़ियाँ। तो जो BMW और ऑडी वाली रोड हैं, ऑब्वियसली वो लोग बहुत ही रफ्तार जाएंगे, उनको ट्रैफिक कम मिलेगा, और वहीं आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, गड्ढे मिलेंगे, और आराम से आपको जो एक घंटे का सफ़र है वो 2-3 घंटे लग जाएगा। एक और एग्ज़ाम्पल लीजिए, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वो न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। चाहे आप कोई भी उपकरण लगाइए, किसी भी कंपनी का हो, चाहे सैमसंग का हो, LG का हो, जो रेटिंग है उतना ही बिल आएगा उसमें, ना कि LG के मिक्सर ग्राइंडर के लिए बिल नहीं आएगा, या सैमसंग के TV पे इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा, सोनी के TV पे एक्स्ट्रा आएगा। सोचिए अगर ऐसा सिनेरियो हो जाए तो क्या होगा, सैमसंग की TV ही बिकेंगी और LG के मिक्सर ग्राइंडर ही बिकेंगे, आपके पास चॉइस लिमिटेड हो जाएगी। इसी तरह इंटरनेट होता है, आज आप कोई भी साइट खोलिए, कोई भी ऐप खोलिए, सबके लिए इंटरनेट बराबर है। आपको जो देखना है, जैसा देखना है, जिस पे देखना है, YouTube, WhatsApp, इंटरनेट सबके लिए बराबर है। मान लीजिए YouTube पे वीडियो स्लो हो जाए, लेकिन वही हॉटस्टार पे वही वीडियो अच्छी स्पीड पे चले, या YouTube पे क्वालिटी लो आए और हॉटस्टार पे HD क्वालिटी आए और वो भी अच्छी स्पीड के साथ, तो आप जाहिर बात है हॉटस्टार पे ही देखेंगे। YouTube इस धीरे 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 करके मार्केट से बंद हो जाएगा। ये इंटरनेट कहाँ से आता है, कौन हमें ये इंटरनेट देता है? इंटरनेट हमें मिलता है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया वगैरह वगैरह। लेकिन अभी इनके कंट्रोल में पूरा नहीं है, ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि कौन सा ऐप, कौन सा साइट पे इनकी स्पीड रेगुलेशन हो। आपने 1 GB 4G डेटा लिया है तो 1 GB की स्पीड फिक्स है, अब वो स्पीड पे आप कोई भी ऐप, कोई भी साइट खोल सकते हैं। ये इनके हाथ में नहीं है कि वो किसी ऐप या किसी साइट की स्पीड को रेगुलेट कर सकें। जब तक आपका 1 GB का पैक है, तब तक आप जो मन चाहे, जैसा मन चाहे, जो साइट चाहें, जो ऐप चाहें, अपनी ही रफ्तार से खोल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए एयरटेल को किसी साइट ने पैसा दिया, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए फ्लिपकार्ट ने एयरटेल को पैसे दिए। अब मान लीजिए आपको एक फ़ोन लेना है जो उसका फ्लिपकार्ट में प्राइस है 10,000 रुपये, अमेज़ॉन में भी 10,000 है और स्नैपडील में 9,500 है, पर अब नेट न्यूट्रलिटी नहीं है। तो अब एयरटेल के इंटरनेट के साथ फ्लिपकार्ट का टाइप हो गया, तो फ्लिपकार्ट बहुत स्पीड से खुलेगा, अमेज़ॉन इतना स्लो खुलेगा कि आप परेशान हो जाएंगे, उसको खोलेंगे नहीं, और स्नैपडील ब्लॉक्ड है। तो आपके पास अब मजबूरी है, आपके पास एक ही चॉइस है, वो है कि फ्लिपकार्ट से ही वो फ़ोन लेने की। समझे, नेट न्यूट्रलिटी नहीं होने पे आपके इंटरनेट प्रोवाइडर ISP के पास पावर है क्या दिखाना है और कितनी स्पीड में दिखाना है। अभी गूगल, यूट्यूब, अमेज़ॉन, ट्विटर, फेसबुक सबके लिए सेम रोड है, सब सेम स्पीड पे चल रहे हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन या कंट्रोल नहीं है। लेकिन मान लीजिए गूगल और फेसबुक जिनके पास ज़्यादा पैसा है, उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया ISP को और उनको फास्ट लेन मिल गया, अब वो बढ़िया स्पीड में चल रहे हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है, और बाकियों के लिए सिर्फ ट्रैफिक, स्लो स्पीड और गड्ढे हैं। और उनको भी कहा गया है कि अगर आपको ये फास्ट लेन चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, तभी आप इस फास्ट लेन में आ सकते हैं। कल को YouTube के अंदर ही हो जाए कि एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पैसा लगेगा, या पीक टाइम पे कोई वीडियो देखने के लिए एक्स्ट्रा प्राइस देना होगा, या मान लीजिए Netflix ब्लॉक रहेगा, सिर्फ Amazon Prime आएगा। आखिरकार Amazon Prime को पैसे देने पड़ेंगे,
हाईवे लेन में आने के लिए, और घूम फिर के कंपनी अपना नुकसान तो करने वाली नहीं, तो कहीं ना कहीं से आपसे ही पैसा लिया जाएगा। तो नेट न्यूट्रलिटी मतलब एकदम न्यूट्रल हो नेट, सबके लिए बराबर, चाहे कोई भी ब्रांड हो, कोई भी डिवाइस हो, कोई भी ऐप हो या कोई भी कंटेंट हो। तो नेट न्यूट्रलिटी नहीं होने पे आपका इंटरनेट डिश टीवी जैसा हो जाएगा। स्पोर्ट्स पैक का इतना पैसा दीजिए लेकिन उसमें क्रिकेट नहीं आएगा। क्रिकेट के लिए स्पोर्ट्स पैक प्लस लीजिए जिसमें क्रिकेट आएगा। मूवीज़ पैक लीजिए जिसमें नई मूवीज़ नहीं आएंगी। न्यू मूवीज़ के लिए एक्स्ट्रा पैसा दीजिए। विदाउट ब्रेक मूवीज़ के लिए और एक्स्ट्रा पैसा दीजिए। नेट न्यूट्रलिटी मतलब नो ब्लॉकिंग, नो स्पीड थ्रॉटलिंग, सबके लिए बराबर, किसी को प्रायोरिटी नहीं, किसी को फास्ट लेन नहीं, सब कोई एक समान। आप लोग सोच रहे होंगे हम इस बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडिया में ऐसे दो इंसिडेंट्स हो चुके हैं जब नेट न्यूट्रलिटी को ब्रेक करने की कोशिश की गई थी। एयरटेल ने 2014 में एयरटेल ज़ीरो करके एक प्लान लागू किया था। इसमें जिन जिन साइट्स ने एयरटेल को पैसे दिए उन्हें आप यूज़ करेंगे तो आपका डेटा चार्ज नहीं लगेगा। आप खुद सोचिए, आप वही साइट सर्व करेंगे जिनसे आपको सर्व करने का पैसा नहीं लगेगा, आप क्यों एक्स्ट्रा पैसा देना चाहेंगे। इसी तरह फेसबुक ने एक फेसबुक फ्री बेसिक करके लागू किया था, उसमें भी सेम प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम था, लेकिन काफ़ी विरोध के बाद और काफ़ी दिनों के बंद के बाद दोनों प्लान्स को वापस लेना पड़ा। नेट न्यूट्रलिटी को राइट टू स्पीच और राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर माना गया है। अब आइए नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ जो तर्क है उन्हें समझें। इंटरनेट का आविष्कार माना जाता है सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है जिसने इंसानों के जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। लेकिन आज भी इंटरनेट 60 से ज़्यादा प्रतिशत लोगों के पास नहीं है और हिंदुस्तान में तो ये 80% पहुँच जाता है। जिस तरह सामाजिक आर्थिक समानता है उसी तरह डिजिटल समानता भी ज़रूरी है। इसके लिए दूर दराज शहरों में भी इंटरनेट पहुँचाने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए काफ़ी पूंजी का निवेश करना पड़ेगा। जो प्राइवेट कंपनी कह रही हैं कि अगर वो ऐप डेवलपर्स या साइट से पैसा नहीं कमाएंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे। उनका तर्क ये भी है कि जैसे व्हाट्सएप ने उनके SMS को मार्केट से ख़त्म कर दिया और स्काइप व्हाट्सएप वीडियो कॉल से उनके रेवेन्यू को काफ़ी कमी आई है। उनका कहना है कि उन्हीं के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके उन्हीं को बर्बाद कर रही हैं ये ऐप्स और जो साइट्स की कंपनियाँ हैं। उनका ये भी कहना है कि गवर्नमेंट्स को मार्केट डिपेंडेंट सिनेरियो में रूल्स और रेगुलेशन नहीं लाने चाहिए। जो जितना सस्ता और अच्छा देगा वही मार्केट में रहेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन से ISP लोगों के डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और आगे चल के कंज्यूमर को ही नुकसान होगा, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं तो ये ISP कंपनी कहाँ से पैसा लेके आएंगी और कहाँ से नई टेक्नोलॉजी डालेंगी। उनका मानना है कि डेटा स्पीड और डेटा चार्ज में उन्हीं का कंट्रोल हो, सरकारों के हस्तक्षेप से उनकी तरक्की कभी हो नहीं पाएगी और हम पीछे की ओर चलेंगे। उनका ये भी कहना है कि कुछ पावर यूज़र्स की वजह से उनके सर्वर्स पे लोड पड़ता है जिसका खामियाजा एवरेज यूज़र्स को पड़ता है। नेट न्यूट्रलिटी से ISP सेक्टर में कभी भी डेवलपमेंट और इनोवेशन नहीं हो पाएगा। अब आइए नेट न्यूट्रलिटी के समर्थन पे क्या तर्क हैं उन पे ध्यान दें। ये बात तो तय है कि नेट न्यूट्रलिटी सबको बराबर हक देती है, चाहे वो किसी भी तबके का हो। नेट न्यूट्रलिटी की वजह से ही नए नए स्टार्टअप्स का आना संभव हुआ है, जैसे कि ओला, वरना उबर जैसी एस्टेब्लिश्ड और बड़ी कंपनी के सामने कभी भी नया स्टार्टअप ओला जैसा नहीं आ पाता। उसी तरह फेसबुक नहीं आ पाता क्योंकि MySpace बहुत ही बड़ी कंपनी और एस्टेब्लिश्ड थी उस टाइम तक। बड़ी कंपनीज हाई स्पीड ले लेंगी और स्टार्टअप कभी भी उतना पे नहीं कर पाएंगे हाई स्पीड लेन में जाने के लिए, कभी वो कॉम्पिटिशन में ही नहीं आ पाएंगे तो इवेंचुअली मार्केट से वो चले जाएंगे। जब मार्केट में कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो कोई इनोवेशन नहीं होगा और आखिरकार कंज्यूमर को ही भुगतना पड़ेगा। राइट टू स्पीच, राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए भी नेट न्यूट्रलिटी की ज़रूरी है। अगर नेट न्यूट्रलिटी नहीं है तो उपभोक्ताओं के यूजिंग पैटर्न को भी प्रभावित किया जा सकता है गवर्नमेंट और सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा। ऐप्स डेवलपर्स का ये भी कहना है कि जैसे BMW की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है रोड बनाने की, तो हम क्यों एक्स्ट्रा पैसे दें ISP को। चलिए अब कुछ तथ्यों को समझते हैं। नेट न्यूट्रलिटी को USA में जैसे FCC फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन गवर्न करता है, उसी तरह इंडिया में ट्राई करता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 28 नवंबर को ट्राई ने नेट न्यूट्रलिटी के संदर्भ में कुछ सिफारिशें पेश की हैं। ट्राई ने कहा है, इंटरनेट एक खुला मंच है और अलग अलग साइट या ऐप के लिए ISP द्वारा पैसे वसूलना गलत ठहराया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ अपवाद ट्राई ने रखे हैं। गौरतलब है 14 दिसंबर को USA में FCC ने नेट न्यूट्रलिटी को समाप्त कर दिया। ये मुद्दा अभी इसीलिए न्यूज़ में क्योंकि दोनों देशों ने अलग अलग स्टैंड लिया है।
चिली में 2010 में नेट न्यूट्रलिटी पे एक कानून बनाया गया था और उसी प्रकार वो दुनिया का सबसे पहला देश बना जिसने इस पे एक कानून बनाया। वे फॉरवर्ड में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या नेट न्यूट्रलिटी को ख़त्म कर देना चाहिए या इसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए? नीचे कमेंट्स में आप अपने राय बताइए, आपके जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा।